नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 24 का यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ आशा झा। हम बात करने वाले हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान जो कि रामविलास पासवान की विरासत को अब आगे बढ़ाने वाले हैं, कैसे वो भी आपको बताते हैं। दरअसल LJP के प्रमुख का अध्यक्ष पद संभालने वाले हैं चिराग पासवान। रामविलास पासवान के बंगले में 12 जनपद जो है वहां पर सरकारी आवास में आज एक बैठक होने वाली है और बाकायदा उसी बैठक में इसका ऐलान किया जाएगा। केंद्रीय जो संसदीय दल है उसके अध्यक्ष फिलहाल चिराग पासवान हैं, लेकिन अब ये बड़ी जिम्मेदारी, हम सभी जानते हैं कि LJP जमुई से जीतकर चिराग पासवान संसद में पहुंचे थे, वहीं से सांसद बने हैं और उनके जो फैसले हैं, डिसीजंस जो हैं, माना ये जा रहा था कि LJP को चला वही रहे हैं और रामविलास पासवान ने एक तरीके से उनको खुली छूट दे दी है। एक औपचारिकता भर रह गई है कि अध्यक्ष पद वो कब संभालते हैं, तो ऐसे में वो समय आ गया है और आज ही इसका ऐलान भी किया जाएगा। प्रदेश भर के तमाम जो पदाधिकारी हैं, इसके अलावा हर राज्य के पदाधिकारी इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं और इनकी मौजूदगी में चिराग पासवान को अध्यक्ष पद की कमान सौंपी जाएगी, यानी उत्तराधिकारी रामविलास पासवान के आधिकारिक तौर पर ऐलान हो जाएगा चिराग पासवान के नाम का।